देखिए, जब हम किसी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम उसकी स्ट्रक्चर में ये पाते हैं कि टू ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? हम इस बॉन्ड को परऑक्साइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं, या हम कह सकते हैं परऑक्सी लिंकेज। और अगर ग्रुप की बात करें तो हम इसे परऑक्सो ग्रुप भी कह सकते हैं, हम इसे पर ऑक्सी ग्रुप भी कह सकते हैं, या हम इसको पर ऑक्साइड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। और अगर ये ग्रुप किसी कंपाउंड्स में आ जाते हैं, ये लिंकेज किसी कंपाउंड में आ जाती है, ये परऑक्साइड बॉन्ड किसी कंपाउंड्स में आ जाते हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजिंग आती है, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आप मेरी बातों को सुनना और नोट्स भी करते हुए चलना, ताकि जो हमने आपके लिए टेस्ट रखा है इस वीडियो के लास्ट में, वो उसे करना आपके लिए आसान हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, फर्स्ट कंपाउंड ले रहे हैं हम H2SO5। क्लियर? जरा इनके नाम भी आप याद रख लो और नोट करते हुए चलो, क्योंकि नाम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं और टेस्ट में मैंने रखे हैं। इसे कहते हैं पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, या हम इसे कह सकते हैं पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, और या ये जो है कैरोस एसिड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब देखो, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसी तरह से निकाले जैसे हम निकालते हैं नॉर्मली, तो क्या आती है पहले समझो भाई। हाइड्रोजन की +1 होती है, यहां पर कितने 2 है, तो यहां कितनी होगी, +2 हो जाएगी। हमें निकाली किसकी? सल्फर की। सल्फर लगाई हमने। ऑक्सीजन की होती है -2, तो -2 है और ये है 5, तो -2 × 5 कितने हो गए सर? 10 हो गए, और = 0। अब देखिए आपने यहां क्या करा, इस तरह से ये 8 हो जाएगी, इसमें है लेस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? +8 इधर आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है इसकी, जो कि क्या है, गलत है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +8 इस कंपाउंड में नहीं होती है, वो क्या कारण है सर? वही कारण है परोक्साइड बॉन्ड का। क्लियर? अब कैसे पता चलेगा, चलिए इसकी स्ट्रक्चर बनाकर हम समझते हैं। अब देखो, आप इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, सल्फर लिखिए, क्लियर, ऑक्सीजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर एच, फिर यहाँ डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ डबल बॉन्ड ओ। क्लियर? अब देखो, इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालिए। अब आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि सर यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम आए हैं जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और इसी को हम कहते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। सही है? इन्हीं पर ऑक्साइड बॉन्ड के आने के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 नहीं होती। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। क्लियर? चलिए अब निकालिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, +1 होती है, +1 इसकी, +1 इसकी, तो आपके पास हो गए +2। प्लस सल्फर के लिए लिख दिया मैंने एक्स। नॉर्मल ऑक्सीजन कितने हैं? 1, 2, 3, तो इनकी हम क्या लगाएंगे? इनकी लगाएंगे हम -2। कितने हैं? 3 हैं, तो कितनी हो गई बताइए? -6। क्लियर? अच्छा, अब देखो आपके पास परोक्साइड ये बॉन्ड है, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन होते हैं सर, तो परोक्साइड की क्या होती है? -1 ऑक्सीजन स्टेट होती है, तो हम क्या लगाएंगे? इनकी 2 की -1, -1 × 2, तो क्या हो जाएगा? -2, तो यहां पर आ जाएगी -2। क्लियर? अच्छा, कुछ बचा? नहीं बचा, = x। देखिए, इससे ये गया और x माइनस का है, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का। तो कुल मिलाकर आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा ये पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर क्या है? एक पर ऑक्सी लिंकेज पाई जा रही है, तो यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, ना कि +8 होगी। +8 ना होने का कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? परोक्साइड बॉन्ड पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम अब H2S2O8। क्लियर? सल्फर की निकालनी है इसमें भी। अब बताइए इसका नेम क्या है? देखिए, नेम से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो नेम भी आप याद रखिए। इसे हम कहते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या हम इसे मार्शल्स एसिड के नाम से भी जानते हैं।
चलिए अब नॉर्मली आप वैसे निकालिए जैसे निकालते हैं ऑक्सीजन स्टेट। देखो प्लस वन होती है हाइड्रोजन की, यहाँ हो जाएगी प्लस टू, प्लस कितने सल्फर हैं, दो हैं, 2x मानेंगे। ऑक्सीजन की होती है कितनी, माइनस टू इंटू एट, कितनी होगी 16 हो गई, इक्वल टू जीरो। इसमें से करोगे लेस तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, वो सॉरी 14 आ जाएगा और इक्वल टू जीरो। तो 2x इक्वल टू कितना पहुंचे 14 प्लस में, और एक्स इक्वल टू प्लस 7, सही है, प्लस 7 आपकी आ रही है जो कि क्या है, गलत है। क्लियर? क्यों गलत है? क्योंकि इसके अंदर भी पर ऑक्सी लिंकेज पाई जाती है। तो सर कैसे बताएंगे, स्ट्रक्चर बनाइए आप, देखिए सल्फर है, क्लियर, और इससे आपको लगाने हैं ऑक्सीजन, फिर यहां पर हाइड्रोजन, फिर यहां दो ऑक्सीजन इस तरह से डबल बॉन्ड से, फिर यहां पर क्या होगा सिंगल बॉन्ड, फिर देखिए ऑक्सीजन, फिर यहां पर ऑक्सीजन, फिर यहां पर सल्फर डबल बॉन्ड, सही है, फिर ये ऑक्सीजन, ये क्लियर। अब ये लिंकेज देख रहे हो आप, जो देख रहे हो ये लिंकेज, बताइए क्या है, ये पर ऑक्साइड बॉन्ड ही तो है, बस इन्हीं के आने से इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो प्लस 7 नहीं रह पाती है। बताइए समझ में आ रही बात? हाँ, सल्फर की ऑक्सी एसिड ही है, ऑक्सो एसिड, ऑक्सी एसिड, ऑक्सो एसिड किसके, सल्फर के। चलो करेक्ट। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं सर, दो हैं, तो प्लस टू, फिर प्लस लगाइए, कितने सल्फर है आपके पास, दो हैं सर, 2x मान लीजिए। देखिए नॉर्मल ऑप्शन देखो, एक दो तीन चार पांच और छह, सही है, छह नॉर्मल ऑक्सीजन है, तो छह टू इंटू वो माइनस टू इंटू सिक्स करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 12, तो लिख दे यहां पर माइनस 12 लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास दो ऑक्सीजन है, परऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं ये, अब यहां पर कितनी होगी भाई, परऑक्साइड ऑक्सीजन की माइनस 1 होती है, कितने ऑक्सीजन है, टू है, तो इंटू टू कर दो, माइनस 2 हो गई, तो यहां पर माइनस 2 लगाइए इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये माइनस ये प्लस कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू उधर जाएगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सही है, प्लस का 12 होगा, प्लस का 12, क्लियर। तो एक्स बताइए प्लस 6 आगे नहीं आएगा, तो कुल मिलाकर यहां पर सल्फर की प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए एक्स का मतलब जान रहे हो आप, ये पर एटम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम, तो इसकी भी प्लस 6 होगी और इसकी भी क्या है प्लस 6 होगी। चलिए नोट करो इतना। एक बात और मैं पूछूं आपसे इसी क्वेश्चन में, पूछ लूं, बताओ इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड बताओ, इसे बताओ कौन सा करके दिखाऊं, ये वाला करूं ये वाला करूं, चलो यार कर लेता हूं। देखो सिग्मा, अरे देखो भाई सिंगल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक पाई है एक सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपके दो पाई बॉन्ड होंगे और एक क्या होगा सिग्मा होगा, बस लगा दो कर लेंगे खुद से। अरे देखो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, यहां पर एक ये पाई बॉन्ड, बाकी सब सिग्मा, लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या हो गया 11 सिग्मा है और 4 पाई बॉन्ड है इसमें। अच्छा एक सवाल बताओ, इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सल्फर पर? अरे सर 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, 1 2 3 4, तो क्या होगा sp3 होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इस पर भी sp3 होगा। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में, क्लियर, वो तो प्योर पी ऑर्बिटल जो होते हैं ना, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये तो आप जानते हैं ना। चलिए ये भी नोट कर लो, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलो चलिए नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास HNO4, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, या हम इसे कह सकते हैं पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड। बार बार इस बात को कह रहा हूं, नाम भी याद करते हुए चले, नाम से सवाल पूछ लिया तो क्या करोगे आप, क्या बताया मैंने, इसका नेम पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड या पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड, क्लियर। अब नॉर्मली निकालो, किसकी निकालें सर, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट, अरे भाई प्लस 1 हाइड्रोजन की होगी, ऑक्सीजन की होती माइनस 2 इंटू 4, तो कितनी हो जाएगी माइनस 8 इजिकल टू 0, यहां आ गई कितनी 7 इजिकल टू 0, क्या आ गया प्लस 7, और प्लस 7 नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट पता होना चाहिए, मैक्सिमम प्लस 5,
लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने, तो वैसे भी आपको दिखाई दे रही है कि प्लस सेवन तो हो ही नहीं सकती है। तो रीजन क्या है? रीजन वही है जिस पर आज हमारा टॉपिक है। किस पर है ये टॉपिक? परोक्साइड, परोक्साइड बॉन्ड, ऑक्सोलिंकेज क्या होती है? देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव ऑक्सीजन, फिर यू यू, ये क्या आ गया? क्या आ गया ये बताओ? यही तो आ गया, परोक्साइड बॉन्ड। तो बस इसी ने तो कर दिया क्या ऑक्सीडेशन स्टेट को। देखो लगाइए, नॉर्मल ऑक्सीजन कितने आपके पास? सर दो हैं, तो दो बोले तो दो के हम माइनस टू लगाएंगे, इंटू टू कर देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस फोर। प्लस नाइट्रोजन की एक्स ऑक्सीजन है ये, परोक्साइड में क्या होती है? माइनस वन, इसकी भी माइनस वन, इसकी भी माइनस वन, कितने हैं ये? टू है, तो टू लगा दीजिए, कितनी हो जाएगी? माइनस टू। और हाइड्रोजन भाई सर प्लस वन होती भाई सर, जीरो। अब देखो यहां बचे आपके पास माइनस वन और माइनस फाइव, ये वो माइनस फोर, ये तो कितनी हो जाएगी? माइनस फाइव, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या होगी? प्लस फाइव। तो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट प्लस फाइव होती है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड नोट करेंगे, सी आर ओ फाइव। सी आर की बताओ, अरे सर इसे एक्स मान लीजिए, ऑक्सीजन की होती है माइनस टू इंटू फाइव, तो माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस टेन, कर दिया आपने ये काम और ये हो गया गलत, ये नहीं होती। तो फिर क्या होती है? इस पर एक सवाल और पूछा गया कि इसमें कितनी पर ऑक्सी वो परोक्साइड लिंकेज है, कितनी? ये भी देखना कितनी है। स्ट्रक्चर बनाइए, इसका नाम बताओ पहले, तुम क्या कहते हैं इसका नाम बताओ, सोचो क्या नाम होगा? क्रोमियम, क्रोमियम सिक्स पर ऑक्साइड, यहां इसे कहते हैं ब्लू पर क्रोमेट। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर से तो पता चलेगा आपको, क्या पता चलेगा कि इसकी इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो प्लस टेन नहीं आ रही है। देखो सीआर बनाइए सिंपल, क्लियर, ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन, देखो सेम ऐसे लो ये बन, कितनी लिंकेज है सर? मैंने पूछा था अभी कितनी है, एक ये है एक है, दो दो लिंकेज याद रखना बिल्कुल। चलिए अब निकालिए, नॉर्मल सर माइनस टू प्लस एक्स, कितने आ गए सर? कितने ऑक्सीजन है सर यहां पर? चार है, और प्रत्येक की क्या होगी? माइनस वन होगी, तो माइनस वन इंटू फोर सर कितनी होगी? माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू माइनस फोर दोनों भाई भाई प्लस हो जाएंगे, मतलब यहां पर माइनस सिक्स हो जाएगा, जीरो। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? कितना आ गया बोलिए, तो कितनी होगी इसकी? इतनी नहीं, इतनी क्यों होगी? क्योंकि क्योंकि क्या हुआ आप तो समझ गए होगे, चलो नोट करो जल्दी से। अगर परोक्साइड बॉन्ड की बात चल रही है और आप इसका एग्जांपल नहीं दे रहे तो बहुत बुरी बात है। बताओ क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन परोक्साइड। ऐसे होता है ना, डिंग 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 डिंग, आ गया, बोलो क्या बन गया, बोलो अब कौन बन गया? अब देखो क्या बन गया, ऐसा मत करना तुम, क्लियर। अब लगाइए आप हाइड्रोजन प्लस वन इंटू टू, और ऑक्सीजन की हमें निकालनी है, हमें इसमें ऑक्सीजन निकालनी है, टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज इक्वल टू थिंग टाइम माइनस वन हो जाएगी, क्लियर। बताइए समझ में आई? चलिए नोट करो इसे जल्दी से, नोट कर लिया? देखो ये ना BaO2, ये भी इसमें परोक्साइड बॉन्ड पाए जाते हैं, सही है याद रखना। अच्छा मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था, पूछा था आपसे कि बताओ ऐसे दो कंपाउंड्स कि जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो माइनस वन होती है और प्लस टू होती है, एक तो मैंने ये देखा एग्जाम्पल वहां पर, क्लियर। प्लस टू वाला बताओ कौन सा एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल था ना वो OF2, क्लियर। अब किसकी तो खुद निकालना आप ऑक्सीजन स्टेट, प्लस टू आ गई
मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, पता उसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, है ये, मतलब ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, या कह दो ऑक्सीजन फ्लोराइड है ये, या फिर इसका नाम है फ्लोरो ऑक्साइड, बताओ। ये बात याद रखना, ये ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, इसीलिए आप इसका नाम क्या बताओगे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, मेरी बात याद रखना, सही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने कुछ कंपाउंड्स लिए और जिसमें थे परोक्साइड बॉन्ड और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई। अब जितनी बातें आपने यहां पर देखी हैं, नोट करी हैं, सुनी हैं, उन पर करेंगे हम अब एमसीक्यूज। ये है आपके टेस्ट, देखते हैं आपने इस लेक्चर से कितना सीखा। तो चलिए फिर कॉपी पेन निकालिए, मतलब रफ निकालिए और देखिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपने इस लेक्चर से कितना सीखा है। देखिए इसे भी आप नोट कर लेंगे, अभी हमने यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाली थी, कितनी आई थी, प्लस के 6 आई थी। अब देखिए यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, रिमूव कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 चार्ज आ जाएगा, जो कि क्या बन गया, एक एनायन बन गया। अब यहाँ पर आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, देखिए इतनी ही आएगी, कभी आप कंफ्यूज हो जाते अगर आपसे वो इस तरह से क्वेश्चन कर लेता तो। क्लियर, परोक्साइड बॉन्ड ख़त्म नहीं होंगे हाइड्रोजन रिमूव हो जाने के बाद भी। क्लियर, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर, आपके पास एक लिंकेज है ना परोक्साइड की, तो उनमें पर एटम की माइनस वन इंटू टू, फिर जो आपके दो तीन नॉर्मल ऑक्सीजन हैं उनकी माइनस टू लगाओगे, और जो ये माइनस चार्ज आपको दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर लिख दोगे। क्लियर, और फिर कर दोगे आप सवाल, समझ में आ रही बात। इसी तरह से आप देखिए, इसको देखो, यहाँ से भी मैंने क्या करा, इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो आपका ये बन गया। क्लियर, यहाँ भी क्या आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर वो ही आएगी जो आनी है परोक्साइड बॉन्ड के अकॉर्डिंग। अब बहुत ध्यान से पढ़िए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या बताना है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, किसमें बतानी है, ये आपका कंपाउंड है, बताइए कितनी होगी, ऑप्शन सी सही है। देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि भाई सल्फर के ऑक्सी एसिड आपको नीचे दिए गए हैं, और आपको बताना है कौन सा सल्फर का ऑक्सी एसिड है जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 है। देखो बहुत ध्यान से, तो सर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ध्यान से पढ़ो, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको बताना है कि जो यह चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें किसके पास परोक्साइड लिंकेज नहीं है, सही है, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए बहुत ध्यान से, क्या पूछा है, आपको बताना है कि किसके पास है परोक्सी लिंकेज, 4 ऑप्शन आपके पास, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, देखो ये सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बताओ डाइथायोनिक एसिड का फॉर्मूला बताइए आप मुझे, नहीं पता, और ये भी याद रखो, देखो डाइथायोनिक एसिड में ना सल्फर सल्फर बॉन्ड पाए जाते हैं, आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे बताओ किस में सल्फर सल्फर बॉन्ड है। चलिए इसे भी नोट कर लें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है, यही पूछा है आपसे कि जो आपको कंपाउंड दे रखे हैं तो उसमें कौन परोक्साइड है, बताइए, तो मैंने आपको बताया था ना ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखिए 6 क्वेश्चन, क्या पूछा है आपने, परोक्साइड लिंकेज इज नॉट प्रेजेंट, किसमें परोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, बताइए किसमें नहीं है, अरे सी ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है कि परोक्साइड लिंकेज इज नॉट प्रेजेंट, किस में नहीं है, देखो, अरे सर आपको ये भी कराया था मैंने, ये भी कराया है, ये भी कराया है, इसमें ही नहीं होगी बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, क्या बताना है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर किसमें बतानी है, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड में, कितनी होगी, ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बताना है, देखिए आपको ये कंपाउंड दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, पूछा क्या, परोक्सी एसिड ऑफ सल्फर, बताओ परोक्सी एसिड कौन सा है इनमें सल्फर का,
अरे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है सर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10, बहुत ध्यान से समझो और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड में। मैंने कहा था ना कि आपसे नाम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनके नाम भी याद रखिए आप। चलिए बताइए आप कौन सा सही होगा। तो सर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए बहुत ध्यान से, देखो क्या पूछा है आपसे। आपके पास एक कंपाउंड ये है, एक ये है और दोनों के पास प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका कारण क्या है बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपसे, क्योंकि इनके पास पर ऑक्सी ग्रुप मौजूद है, प्रेजेंस है, इसीलिए दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स आ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में एजर्शन दे रखा है आपको, पढ़ो बहुत ध्यान से क्या कह रहे हैं ये। ये कह रहे हैं कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर H2SO5 में प्लस 6 है। अब इसका रीज़न क्या दे रहे हैं ये, ये कह रहे हैं कि इट हैज़ 1 पर ऑक्सी लिंकेज बताओ। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए आप सर। ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही बात। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, आपको पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड में सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं, बताइए। समझाए थे मैंने आपको, बस ऑप्शन ए सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको कंपाउंड दे रखा है CrO5 और पूछा है कि कितनी इसके अंदर पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट हैं। मैंने आपसे कहा था याद रखना कितनी हैं, 2 हैं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आपसे पूछा है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, देखो मैंने कहा था याद रखना डाई थायोनिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए आप, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, क्या बताना है कि OF2 इज कॉल्ड ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। OF2 को ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड कहते हैं क्योंकि, बताओ कौन सा सही है। सोचने वाली इतनी बात ही नहीं है, ऑप्शन ए को लॉक करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस, कम है देन दैट ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन से बात खत्म। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने क्या सीखा, आज हमने परऑक्साइड बॉन्ड को देखा और उसके आने से ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ वो आपने खुद देखा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर भी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताना। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।